हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई मेड अ बर्ड नेस्ट फॉर माय चाइल्ड्स स्कूल प्रोजेक्ट एंड इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने नारियल के छिलकों को ले लिया है और इन छिलकों को अलग अलग कर रही हूँ मैं। एक नारियल का छिलका यूज हो जाएगा और उसमें ये आसानी से बन जाएगा। इस तरह से मैं सारे छिलकों को अलग अलग कर रही हूँ, कहीं से भी कोई गांठ ना रहे, सारे छिलके एकदम अलग अलग दिखें। ये एकदम ओरिजिनल नेस्ट की तरह दिखेगा। ऐसे मैंने छिलकों को अलग कर लिया है। अब इन छिलकों को इस तरह से इकट्ठा लेके राउंड राउंड करके ऐसे लगा के मैंने सारे कट्टा उनको दबाते हुए, हैंड से दबाते हुए इस तरह से राउंड शेप बना लिया है। और इनके अंदर जितने भी इम्पटी जगह है उनको इस छिलकों से फिल कर दिया। और जो थोड़े बहुत गांठ अगर कहीं है तो उन्हें हम फिर से अलग कर लेंगे। इस तरह से राउंड घुमाते हुए और एक बीच में गड्ढा बनाते हुए हम इन छिलकों को अच्छे से हैंड से दबा कर फिल कर लेंगे। नेस्ट का आकार बनाएंगे हम। नेस्ट के शेप जिस तरह से आपने नेस्ट देखा होगा बर्ड का, इस तरह से हम इसे राउंड घुमाते घुमाते बीच से दबाते हुए गड्ढा बनाते हुए अच्छे से इसे दबा लेंगे। ये अच्छे से एकदम दबाते हुए राउंड शेप बनाएंगे। राउंड अच्छे से घुमाते घुमाते उन्हें एकदम शेप रेडी करेंगे हम इसका। ये थोड़े बहुत बाहर निकलेंगे, लेकिन आप हाथ हैंड से अगर पुश करो, दबाओ भी इसे एक बहुत अच्छे से बंधन हो जाएंगे रेडी। मैंने छोटे वाले जो थर्माकोल बॉल आते हैं वाइट कलर के, मैंने उसका यूज़ किया है इनके एग्स के लिए। एग्स रख लिए 4-5, आप जितने चाहो उतने रख सकते हो। और 2 बर्ड जो प्लास्टिक की रेडीमेड आती हैं, मैंने उनका यूज़ किया है। उस बर्ड को इन अंडों के ऊपर, एग्स के ऊपर हम इस तरह से रख देंगे। आप चाहो तो ग्लू से इन्हें पेस्ट भी कर सकते हो, तो ये हिलेंगे नहीं। इस तरह से रख कर हम बर्ड नेस्ट तैयार कर लेंगे। मैंने इसे इस तरह से तैयार कर लिया और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और बच्चों के प्रोजेक्ट के लिए ये बर्ड नेस्ट एकदम रेडी है। आप चाहो तो किसी भी कार्ड को बोर्ड के ऊपर भी इसे रख के पेस्ट कर सकते हो। और ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। लाइक, शेयर प्लीज। थैंक यू।